दोस्तों, ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है और ये है महाराष्ट्र का एक ऐसा खूबसूरत घाट, तामनी घाट, जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। नमस्कार, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं पहुंचा हूं अभी तामनी घाट में। फेमस घाट है और तामनी घाट क्यों आया हूं, इसके पीछे है रीज़न। मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं एक दो चीज़ें यहां की और आपको दिखाने वाला हूं तामनी घाट का खूबसूरत नज़ारा। तो भैया, तामनी घाट में आने का बेस्ट टाइम है मानसून, और मानसून में यहाँ आपको अनगिनत झरने और जो नेचर का जो है ना असली जो रूप है वो देखने को मिलेगा। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत से व्यू पॉइंट, असंख्य झरने, खूबसूरत मोड़, घने जंगलों से गुजरते जिगजैग रास्ते और बादलों का मनमोहक नजारा। तो दोस्तों, कुछ तो खास बात है इस जगह पर जहाँ पर मैं चला आता हूँ बार बार। अगर आप नेचर लवर हैं तो चले आइए इस खूबसूरत जगह पर और एक्सप्लोर करिए प्रकृति की फैली इस खूबसूरत छटा को। और अगर आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हमारे साथ चलिए इस वर्चुअल टूर पर और महसूस कीजिए इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती को। तो भैया, तामनी घाट तकरीबन 15 किलोमीटर है जो शुरू होता है रायगढ़ के सनसवाड़ी गांव से और मुलशी डैम तक। तो 15 किलोमीटर का जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत इलाका है। जिगजैग रोड, अप्स एंड डाउन, दुनिया भर के वाटरफॉल और नेचर का जो असली नज़ारा देखने को मिलेगा आपको तामनी घाट में वो अलग ही है। तो भैया, तामनी घाट हो चुका है शुरू। थोड़ा पहले सीक्रेट वाटरफॉल के लिए एक रास्ता जा रहा था अंदर की तरफ, जहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सीक्रेट वाटरफॉल को। वापसी में देखते हैं एक्सप्लोर कर पाते हैं नहीं, मैं वापसी में दिखाऊंगा। और अब चलते हैं आगे। चलिए भाई, ये देखिए भाई, यहाँ से प्रॉपर शुरू हो जाती हैं जो पहाड़ियाँ तामनी घाट की, और घाट प्रॉपर यहाँ से शुरू होता है। पानी लगभग ख़त्म हो गया है, पानी है ही नहीं ना, बल्कि लास्ट टाइम में आया था तो काफ़ी यहाँ पर है ना, आपको यहाँ पर ये देखिए है ही नहीं वाटर, है ही नहीं वाटर, जो चल ही नहीं रहे झरने। तो मैं वही कह रहा था कि जब बारिश होती है वाटरफॉल बहते हैं तो लोग आते हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए आगे, खूबसूरत जगह है भाई, बहुत खूबसूरत है। बारिश में तो स्वर्ग सी अनुभूति होगी आपको। दो पहाड़ों को काटकर जो रास्ता बनाया गया है ना, वाह हो क्या बात है यार, क्या बात है। इसी के लिए तो ये घाट फेमस है। हाँ, ये देखिए भाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए नज़ारा है, हाय क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए
क्या मस्त नज़ारा है भाई है। चलिए अरे पहाड़ी का व्यू देखिए भाई, खतरनाक व्यू है यहाँ से। जितना जल्दी निकल जाओ उतना जल्दी बढ़िया है भाई, है ना। तो ये देखिए भाई, पानी यही नीचे जाता है जब फोम करता है वाटरफॉल। तो आगे चलते हैं यार। आगे का व्यू बहुत खूबसूरत है, वो देखिए उधर से ना, मैं उस साइड से आया हूँ, उस साइड से कहीं से उधर से। और ये देखिए भाई क्या मस्त नज़ारा है तामिनी घाट का ना। अरे यहाँ फिर भी लोग रुके हैं। यहाँ तो फिर भी लोग रुके हैं, यहाँ पे कुछ लोग रुके हैं यहाँ पे। ये देखिए यार रुक करके लोग नहाते हैं। जब बारिश मानसून ज़्यादा होता है तो मज़ा आता है यहाँ पर नहाने का, रुकने का, नहाने का। चलिए तो भैया, यत्र तत्र सर्वत्र और महादेव जी यहाँ भी विराजमान है। देखिए तामिनी घाट में तो अगर आते हैं तो दर्शन अवश्य कीजिए। तो चलते हैं अभी आगे। ये व्यू पॉइंट है क्या? कोई व्यू पॉइंट है यहाँ? ये देखिए कितना डीप खाई है रे भाई। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ओए होए होए, ये देखिए ओ हो क्या यार व्यू है, नज़ारा। चलिए अभी फिलहाल चलते हैं आगे। भैया देखिए, मैं यहाँ पर लास्ट टाइम भी रुका था, जो मैं कुंडलिका वैली की तरफ गया था, यही होटल था, होटल जय मल्हार। यहाँ रुक करके मैंने आपको बताया था कि कुंडलिका वैली आप कैसे जा सकते हैं, और कुंडलिका वैली से आगे जा करके आप लोनावाला भी जा सकते हैं, वहाँ से भी रास्ता है। तो देखिए ये रास्ता जा रहा है अहिरवाड़ी, बांद्रे, पिंपरी और अंदरबन नेचुरल ट्रेल के लिए भी जाता है ये रास्ता। तो चलते हैं आगे फिर। चलिए ये है यहाँ से रास्ता यहाँ से जाता है भाई। तो भैया आज हमारा प्लान था सावलिया घाट एक्सप्लोर करने का। तो अगर आप तामिनी घाट के रास्ते से आते हैं तो आगे जो होटल जय मल्हार है, लास्ट टाइम जब मैं आया था वहाँ से मैंने टर्न किया था कुंडलिका वैली के लिए, वही रास्ता आगे जाता है। कुंडलिका वैली थोड़ा सा और आगे है, लेकिन ये मेन रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास आपको ये बस स्टॉप मिलेगा। ये बस स्टॉप है, तो इसका एक और निशानी है देखिए, जो यहाँ से ये रास्ता जा रहा है राइट लेफ्ट साइड में, इसके ठीक सामने पहाड़ी है, बिल्कुल इसके ठीक सामने पहाड़ी है। और इस रास्ते से मैं आया हूँ तामिनी घाट के रास्ते से, जो कुंडलिका वैली की तरफ जाता है, ये रास्ता कुंडलिका वैली की तरफ चला जाएगा। ये जो हिल है इसके सामने ये बस स्टॉप है, और ये देखिए बस स्टॉप के ठीक सामने ये रास्ता जाता है। और ये देखिए हिल जो है कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो चलिए फिर निकलते हैं। चलो भाई यही रास्ता होना चाहिए भाई, है ना।
ओह माय गॉड, आंटी ने इशारा कर दिया भाई, पार्किंग पार्किंग के लिए इशारा कर दिया आंटी ने। चलिए भाई, अभी आगे का सफ़र हम तय करेंगे ऑन फुट। तो भैया अगर आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए, यहाँ पर है ना प्रॉपर गांव वालों ने अपना पार्किंग वगैरह बनाया है, घर में ही पार्किंग, और आपको पता चल जाएगा मेन रोड से जब आप आएंगे यहाँ पे। देखिए भैया, मैं आया हूँ वहाँ से अपनी बाइक खड़ी करके, और ये जो है रास्ता, यहाँ से भी उतर सकते हैं, और वैसे मेन रास्ता ये है यहाँ से जो जा रहे हैं ना। चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? सिद्धू। सिद्धू पंजाब के हो? नहीं, सोलापुर। अच्छा, आप आपका क्या नाम है? चेतन। चलिए, तो चेतन और सिद्धू हमारे साथ भी जाने वाले हैं भाई इस ट्रैक पर। तो भैया हमने स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक सावलिया व्यू पॉइंट के लिए, और मेरे साथ दो और हैं। मैं अकेला ही घर से चला था, लोग मिलते गए और कांवरा कारवां बनता गया। तकरीबन 12:30 के आसपास हमने स्टार्ट किया है अपना ट्रैकिंग। एक ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गया है यहाँ पर, कुछ बन रहा होगा यहाँ पर। आसपास का जो एरिया है उसका व्यू दिखाता हूँ मैं आपको ना। ये देखिए यार, क्या मस्त पहाड़ है, एकदम मस्त। ये देखिए इस साइड में पूरा तामिनी घाट का जो है रेंज है वो आता है। खूबसूरत नज़ारा है, और हम जाने वाले हैं वहाँ। एक्चुअल में कहाँ से जाने का रास्ता है? शायद यहाँ से है, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, वहाँ से होते हुए जाएंगे हम वहाँ पर, फाइनली वहाँ पहुँचेंगे। तो भैया सावलिया घाट जाने वाले रास्ते पर ये देखो, कुछ लोग भी अभी घूम कर आए। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? जस्टिन अब तो यंग हो यार, परिवर्तित। देखिए भाई, ये है ना थोड़ा सा ये नजारा है भाई, मस्त है ना ये नजारा है यहाँ से, खूबसूरत नजारा देखिए। तो मुझे जाना है भाई नीचे वहाँ से। ये बैठे हैं कुछ लोग यहाँ पर। कैसा रहा ट्रैक आप लोगों का? हम लोग ने जाने से पहले खत्म हो गया। क्यों, बस हो गया? हाँ, ना मस्त। ये देखो महादेव, महादेव जी का टैटू मस्त बनाया है भाई। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? फ्रॉम दिल्ली। क्या ये क्या लिखा है आपके इस पे? क्या माय गॉड। ये देखिए भाई, पुराने ज़माने के छोटे छोटे वाटर टैंक हैं, जो यहाँ पर मावले आते होंगे वो इनको यूज़ करते होंगे। बरसात के समय में पानी उधर से बह करके आता है इनमें, ये भर जाते हैं।
तो ये कुछ तो सहारा देते होंगे आने जाने वालों को। देखिए क्या व्यू है यहाँ से। ये देखिए भैया, रिंग वाटरफॉल, इसके उस तरफ है देवकुंड वाटरफॉल, और जो फ्लो जा रहा है, अगर आप आ रहे हैं भीरा गांव से आ रहे हैं, तो वहाँ से ट्रेल होकर के आता है देवकुंड वाटरफॉल की तरफ। तो अगर आपने मेरा देवकुंड वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब चैनल पर देखिए, उसी रास्ते में होकर आया था देवकुंड वाटरफॉल पर। तो भैया ये देखिए, ये नज़ारा है नीचे का, मस्त एकदम। और जो ये नीचे है बहुत ज़बरदस्त खाई है भाई, बहुत खतरनाक वाला, जैसे वो दिख रहा ना वैसा है इसमें नीचे। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बारिश के टाइम में अवॉइड करना है ये ट्रैक। ये देखिए भाई, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ठीक ठाक रास्ता है, इतना ज़्यादा बोल रही है, प्रॉपर ट्रेल है ऐसी बात नहीं है। हालांकि थोड़ा सा डेंजरस पैच ज़रूर है, लेकिन चलने लायक खूब है, बढ़िया से ध्यान से चलोगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भैया देखिए, अभी तक अवेलेबल हैं उस समय के जो स्टेप्स हैं, कार रुकी हुए, ये लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं। देखिए आज रोड बनता है, कल उसके बाद उसका क्या हाल होता है आप सबको पता है। तो ये जो खून पसीने से, ये ईमानदारी से जो मेहनत की गई है वो यहाँ दिखती है। थोड़ा फिसलन सा है भाई बीच बीच में, लेकिन इतना चलेगा। ये देखिए अच्छा है वैसे तो, ऐसा प्रॉपर स्टेप बने हैं, ऐसी बात नहीं है। ये रास्ता है भाई, देखो ऊपर से समझ में आ नहीं रहा, देख इसको अंदर से जाना है। कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं जा करके। कितना दूर है? और 15 मिनट। थैंक यू यार, चलिए चलिए। ऐसे खूबसूरत रास्ते हैं भाई, देखो कितने मस्त रास्ते हैं, बढ़िया एकदम। सबसे अच्छी बात पता है क्या है आपको, यहाँ पर ये पेड़ों से है ना सपोर्ट मिल जाता है, रिबन यहाँ भी बांधा हुआ है। लेकिन इसमें एक वो है, बारिश के टाइम में सांप वगैरह बहुत निकलते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। वाह, ये कांटे देखे यार एकदम से, कितने शार्प एज है। चलिए, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, चलिए चलिए। पूरा एग्जॉस्ट हो गए भाई, पूरा एकदम। अभी फिर एकदम से चढ़ाई शुरू हो गई है। सामने है भीरा डैम, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भीरा डैम है। खूबसूरत व्यू, और वो लास्ट पॉइंट है जहां हमें जाना है। ये देखो, ये देखिए भाई, ये नज़ारा है सामने का, और मुझे जाना है वहाँ पर आगे थोड़ा सा।
और हमें जाना है सामने। देखो पीछे का नज़ारा है यार जंगल, अभी आगे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। देखो देखो भाई नज़ारा क्या मस्त है यहाँ से, दो जो दोनों वाटरफॉल हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए भैया नज़ारा, वो रिंग वाटरफॉल, वो देवकुंड वाटरफॉल। और लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था देवकुंड में भी पिछले सीज़न में, बहुत मस्त जगह है देवकुंड वाटरफॉल, बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए। अभी भी भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। चलते हैं अभी आगे। देखो भाई देखो भ्रावा, बाकी तो ठीक है। तो भाई फाइनली वो जगह आ गया है जहाँ से बेस्ट व्यू दिखता है देवकुंड और रिंग वाटरफॉल का। देखिए तकरीबन एक घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम इस खूबसूरत व्यू पॉइंट पर पहुंचे जिसका नाम था सावलिया घाट। यहाँ से नजारा इतना खूबसूरत होगा ये कभी सोचा नहीं था। भाई बारिश होता होगा तो इन पहाड़ों से कितने वाटरफॉल निकलते होंगे अंदाजा लगा सकते हैं आप। देखिए वाह भाई वाह। तो भैया मेरे पीछे है व्यू रिंग वाटरफॉल और देवकुंड वाटरफॉल का। अरे देखिए आसपास का जो व्यू है इसका तो कहना ही क्या भाई है। तो भैया ये था फाइनल पैच जहाँ से दिखता है रिंग वाटरफॉल और देवकुंड वाटरफॉल। तो आज हमारा ट्रैकिंग हो गया कंप्लीट। तो देखिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। हो गया कंप्लीट, शूट हो गया, हो गया। आपका क्या नाम है? आशीष आनंद। आपका? राहुल उतेकर। आविष्कार पाटिल। आविष्कार पाटिल। यतीश भेंडे। यतीश भेंडे। और कैसा लगा हमारा महाराष्ट्र का सह्याद्री? बहुत ही मस्त है एकदम। मस्त? बहुत ही एकदम मस्त। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो भैया ये नजारा था रिंग वाटरफॉल और देवकुंड वाटरफॉल का, बहुत अमेजिंग व्यू है। तो अगर आप आते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ की ब्यूटी का। तो भैया ये खूबसूरत व्यू है यहाँ का मस्त, और अभी चलते हैं वापस। तो भाई कभी कभी ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखिए राइट साइड में मेरे वाटरफॉल हैं। तो भैया मैं वापस पहुंच गया हूं यहां पर जहां पर मैंने लगाया था अपना गाड़ी पार्क किया था। तो पार्किंग का 50 रुपया पे किया था मैंने। ये लोकल्स हैं यहां पर, दो चार घर हैं यही अपने घर के आसपास गाड़ी पार्क करवाते हैं, 50 रुपया लेते हैं। और अगर आपको खाना वाना कुछ ऑर्डर करना है तो आप इनको कर सकते हैं, वो भी आपको ये दे देंगे। तो अभी चलते हैं वापस। तो भैया चलिए अब चलते हैं वापस। ये देखिए भाई सामने बारिश हो गई है शुरू, पूरा घूप अंधेरा हो गया भूख की वजह से।
भाई वेज नॉन वेज इधर रुकते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं भाई। तो भैया तामिनी घाट में आओ और बारिश ना हो ऐसा कभी हो सकता है? देखिए खतरनाक बारिश शुरू हो गया है। पहले सुबह जब मैं निकला तो बारिश नहीं थी, मौसम बिल्कुल साफ था, और अभी देखो कितना ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गया है, एकदम से ठंडा मौसम हो गया है। मैंने भी अपना रेनकोट वगैरह निकाल लिया है, अभी मज़ा आएगा। तो अभी चलता हूँ, चाय वाय के लिए रुका था मैं यहाँ पर इस होटल में, होटल छायद्री में। तो अभी चलता हूँ, आगे वाटरफॉल वगैरह शुरू हो गए होंगे, तो चलिए फिर दिखाता हूँ आपको। चलो भाई चलते हैं फिर, कुछ कम हो गया है अभी बारिश हो गया है कुछ कम। ये देखिए भाई मल्टीपल वाटरफॉल निकलने लगे हैं यहाँ से, देखो क्या मस्त नज़ारा है भाई। ये देखिए हो गया शुरू, ये देखिए मल्टीपल वाटरफॉल शुरू हो गए हैं तामिनी घाट में। वाओ यहाँ भीड़ हो गई है भाई, पानी बढ़ गया है और मस्त नज़ारा आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा और बारिश हो जाती तो मज़ा आ जाता है भाई, लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या गजब यार, मस्त एकदम बढ़िया। तो रोकते हैं यहाँ पर। वो देखिए भाई उधर चल रहा है डांस ना, तगड़ा डांस चल रहा है भाई इनका, बारिश होने के बाद आ गए हैं मूड में लोग। तो भैया ये नज़ारा है यहाँ पर तामिनी घाट का, और देखिए वहाँ पर कर रहे हैं लोग डांस भाई, वाटरफॉल बह रहा है। अभी थोड़ा सा बारिश हुआ था, पीछे की साइड में ज़्यादा बारिश था, यहाँ थोड़ा कम हुआ होगा इसलिए थोड़ा स्लो हुआ है। अभी हो सकता है और बारिश होगा तो ये पूरा वाटरफॉल आपको देखने को मिलता, लेकिन अभी हुआ नहीं इतना ज़्यादा बारिश जितना एक्सपेक्टेड था। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस खूबसूरत घाट का वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहिए ट्रैवलिंग स्पार्टन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।